हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि पूजा की हार्दिक शुभकामना। और अभी मैं आई हूँ डॉक्टर के पास से, तो मेरी नवरात्रि पूजा तो बस इसी तरह से चल रही है, दवा सुई लेकर के। तो मैं यहाँ पर चली जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ तलने, क्योंकि मुझे भूख लगी है। और एक पकौड़ी मैं बना रही हूँ, बेसन का नहीं, चना दाल का नहीं, बल्कि मक्के का है। तो छील करके मैं इसे रखी थी और सोची कि टाइम मिले तो बनाऊँ। तो इसे पहले पीस ले रहे हैं, और इसे एकदम फाइन नहीं पीसना है, बल्कि थोड़ा मोटा ही रहे। तो इसे पीस लिए हैं और पीस करके इसे निकाल लेंगे, और इसके बाद इसमें सब्जी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके पीसे हैं, और सब्जी अपना मनचाहा जो भी डालना है सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, और मक्के का तो तरह तरह का डिश बनता है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं बना कर खाई हूँ। सोची चलो मक्का छील करके रखे हैं तो इसका पकौड़ी ही बना लेते हैं। तो इसमें प्याज डाल रहे हैं, और साथ में शिमला मिर्च, हरी मिर्च डाल करके। आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो इसमें मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इसमें शिमला मिर्च डाल दिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे 2 चम्मच बेसन, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी मेरा ज़्यादा हो गया है। अगर आप नहीं भी डालें बेसन तो भी चल सकता है, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर दी ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो, फटे नहीं। और इसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर है। और ये डब्बा मेरा नया है, तो मैं डब्बे से गिरा रही हूँ। ऐसी गलती करने से कभी कभी होता है कि ज़्यादा गिर जाता है, इसलिए रखना चाहिए निकाल कर डब्बे में। और ये सारा चीज़ मिक्स कर लिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल ले रहे हैं। काफ़ी टेस्टी होता है मक्के का डिश, जो भी बनता है जिसे पसंद है तो तरह तरह का बनाकर खाते हैं। और मैं भी बना रही हूँ, इसकी रोटी छिलका जो भी बनता है वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ, बहुत जल्दी बनने वाला है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा और इसे बना करके खा सकते हैं। और अभी जो नवरात्रि में है ये उनके लिए नहीं है, मैं जो नवरात्रि व्रत नहीं किए हैं उनके लिए मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि वाले तो फलहार रखते हैं अभी। और मुझे भी बहुत अफसोस लग रहा है कि मैं इस वर्ष नवरात्रि में नहीं हूँ, नवरात्रि पूजा नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में भी नहीं हो रहा है। और जो पूजा पाठ होता है डेली, वो अभी उन सारा ड्यूटी हमारे हस्बैंड को है, मतलब वही पूजा पाठ पर ध्यान दे रहे हैं, मेरा ड्यूटी तो अभी खाने का है। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन गई सारी, और इतनी सारी पकौड़ी मैं अकेले ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए मोर्चा संभालने के लिए अपने पति देव को बुला ली कि आइए आप भी। तो इतना सारा पकौड़ी लेकर के बैठे हैं, बहुत टेस्टी है। आइए जिन जिनको खाना है पकौड़ी मक्के का, तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार घर में इस तरह से ट्राई कीजिए करके पकौड़ी खाइए। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और हम सब बैठ गए हैं यहाँ ये पकौड़ियाँ ख़त्म करने में, और मूली भी अभी ताज़ा ताज़ा लाए हैं, तो मूली धो करके एक ले लिए हैं। साथ में अगर चटनी हो या फिर जो भी हो खट्टी चीज, उसके साथ पकौड़ी खाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है, और हम लोग भी इसका आनंद उठा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।